सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताकि नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहे। आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे। हमें ज़रूरत है एक जीमेल अकाउंट की, अगर आपके पास नहीं हो तो सब स्टार्टिंग से वीडियो देखें। सबसे पहले गूगल पे जाकर जीमेल सर्च कीजिए, फिर सिर्फ जीमेल पर लिंक क्लिक कीजिए। जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल अकाउंट आ जाएगा। गूगल अकाउंट को ऐड अकाउंट कीजिए। ऐड अकाउंट के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट कीजिए फॉर माई सेल्फ। अब अपना नाम लिखिए, फिर अपना लास्ट नाम लिखिए, जैसे मैंने दिलक छिल के लिखा। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना जेंडर डालिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको कैसा नाम चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा निंजा xyz@gmail.com, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। रोहित शर्मा। जो मर्जी हो आपकी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। फिर आप अपना पासवर्ड डालिए जो कि सिर्फ आपको याद रहे सिक्योरिटी के लिए। फिर एक बार डालिएगा। फिर नेक्स्ट कीजिए, आगे भी नेक्स्ट कीजिए। प्राइवेसी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप बैक जाइए। बैक होने के बाद आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने ऐप मैनेजमेंट में जाइए। ऐप मैनेजमेंट में आपको एक डिफ़ॉल्ट ऐप नाम से दिखेगा, उसमें आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। फिर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपको क्रोम चूज़ करना है, फिर बैक लेना है। फिर क्रोम पर जाके यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब सर्च करने के बाद अगर आपका पहले से कोई अकाउंट ओपन है तो आप उसे साइन आउट कर लीजिए। फिर आपने जो नया ईमेल अकाउंट बनाया है उस पर क्लिक करके आप उसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन देखिए, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप अपना ईमेल डालिए। ईमेल डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। आप अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप अपडेट अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, आपका ईमेल सिक्योर रहने के लिए। ओके कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपके मोबाइल पे एक OTP आने वाला है, आएगा, OTP डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक रिकवरी ईमेल मानेगा, आपने वो डालने की ज़रूरत नहीं। फिर डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप सीधा उस अकाउंट पे चले जाएंगे। उस अकाउंट पे आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आप अपने योर चैनल्स पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं योर चैनल्स पे क्लिक कीजिए। योर चैनल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट चैनल दिख रहा है, क्रिएट चैनल्स पे क्लिक कीजिए। क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको तीन दिख रहे, फिर डेस्कटॉप साइट की वजह से आपको कंप्यूटर जैसा व्यू मिलेगा। आपको कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आइकॉन डालना है। आप आइकॉन कैसे बनाने का, तो आइकॉन बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप की, वहाँ से कर लीजिएगा। अब मैं अपना आइकॉन डालने वाला हूँ। आइकॉन मैंने पहले से बना के रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा आइकॉन अपलोड हो रहा है। सेट एज अ प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। आइकॉन अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। अपलोड हो चुकी है। आपको फिर से बैक करके स्टार्टिंग से क्रोम पे जाके यूट्यूब सर्च करके आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, या पहले से लॉगिन होगा।
फिर योर चैनल्स पे क्लिक करके, फिर ऊपर के 3 टिम पे डॉट करके डेस्कटॉप साइट पे जाके, अब फिर से वही प्रोसेस नहीं है। कस्टमर साइन योर चैनल्स के बाद कस्टमर चैनल पे क्लिक करने के बाद आप चैनल ऐड मतलब पीछे का बैकग्राउंड आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा चैनल ऐड देखिए। ये भी अपलोड हो चुका है, फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आप वो भी अपलोड हो चुका है, फिर उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कीजिए, अबाउट पे क्लिक करने के बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ भी डाल दिया है, आप अपना डालिए, जैसे कि आप किसके बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बारे में डालिए। नीचे में आपका ईमेल है, आप अपना नया वाला ईमेल डाल दीजिए। नीचे में आपकी लोकेशन है, आप अपनी लोकेशन डाल दीजिए। नीचे में लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप उसके भी लिंक डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक दे रहे हो तो आप उस हमेशा इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहिएगा। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि आप आगे कौन सा वीडियो डालने वाले हैं। वैसे आप लिंक पे अपना ट्विटर के भी लिंक दे सकते हैं, अपने फेसबुक पेज की भी लिंक दे सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया है आप उनकी लिंक दे सकते हैं आराम से। आप इंस्टाग्राम पोस्ट की भी लिंक दे सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। फिर आप बैक लीजिएगा, बैक लेने के बाद आप क्रोम पे फिर से यूट्यूब सर्च कीजिएगा। यूट्यूब सर्च करने के बाद आप अपने कंप्यूटर व्यू यूज़ कीजिएगा। कंप्यूटर यूज़ करने के बाद अपने आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, आइकॉन पे व्यूअर्स चैनल पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप फिर से अपने आइकॉन पे कस्टमर चैनल पे क्लिक कीजिए। कस्टमर चैनल के बाद आप अपने आइकॉन पे क्लिक कीजिए, अपने आइकॉन के आपको स्टूडियो दिखेगा, स्टूडियो नाम से वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सीधा स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो पे चले जाएंगे। उसके आप आइकॉन पे फिर से क्लिक कीजिए, फिर से फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए, आप अपने अकाउंट से लॉगिन कीजिएगा, जो आपका अकाउंट है नया वाला उससे। आप फिर से उस पीछे चले जाइएगा, पीछे आने के बाद आपको बाजू में लेफ्ट साइड में दिख रहे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे वीडियोस प्ले लिस्ट सब कुछ देख सकते हैं, सभी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा जब अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक कीजिएगा, मोनेटाइजेशन पे आपको जो आखिरी ऑप्शन दिख रहा हो उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपका कोई वीडियो देखेगा तब ये ऑप्शन आपके लिए खुला हो जाएगा। वहाँ पे नीचे ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप देखिए अपना यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट, चैनल अबाउट सब कुछ। होप आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है। फिर से बैक आइएगा, फिर आप अपने आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आप अपने योर चैनल पे क्लिक कीजिएगा। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आप फिर से योर यूट्यूब चैनल पे क्लिक कीजिएगा। आप अपने कस्टमर चैनल पे क्लिक कीजिएगा। कस्टमर चैनल पे क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल पे क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब स्टूडियो के नाम से उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प पे क्लिक कीजिएगा। आपको मिलेगा वेरीफाई योर अकाउंट और अपना सिक्योर योर अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपना नंबर डाल के वो अकाउंट वेरीफाई करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।